दिल्ली से प्रेशर बढ़ रहा है सिलो, इनकी ट्रांसफर जरूर होगी, बट डोंट वरी, उसी टाइम में ही विल बी प्रमोटेड टू आईजी रैंक। और तुम्हारे इंक्वायरी पैनल के जो मेंबर्स हैं सब मेरे लोग हैं, इसलिए इंक्वायरी का आउटकम कुछ नहीं निकलेगा। रही बात गुरुजी के हत्यारों की, तो उन्हें सजा होगी, लेकिन 2-3 महीनों के लिए हमें शांत रहना होगा। ये एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए, हम पावर में आ जाए, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सर, ऐसा लग रहा है स्टेट का सीएम नहीं, कोई भागा हुआ डॉन अंडरग्राउंड होने की बात कर रहा है। गुरुजी, महेश, अल्ताफ और इन पुलिस वालों की हालत किसने की हम सब जानते हैं, फिर ये कैसा पॉलिटिकल प्रेशर है जो हमें अपनी ड्यूटी करने से रोक रहा है, उल्टे सीधे चार्जेस ठोक रहा है। देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज है सिंघम, लेकिन इस सिचुएशन को हमें प्रैक्टिकली हैंडल करना होगा, वरना मेरी सीट जा सकती है, तुम अपनी वर्दी गवा सकते हो। ये वर्दी का डर आप किसको दिखा रहे हो? मैं डर नहीं दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि कुछ काम हमें वर्दी के दायरे में रहकर ही करने होंगे। तो फिर किस काम की ये वर्दी जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं मजबूर बनाती है? बाजीराव सिंघम इस सिस्टम का नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है। अब जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा, किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता, ना आप ना आपका ये सिस्टम। राठौड़, समझाओ इसे, ये जोश में काम ले रहा, पागल बन रही है, समझाओ इसे, कुछ करो। अभी करता हूं सर। क्या हुआ सीएम साहब, बिना वर्दी के कर दी पहली बार दिखी, अब कुछ नहीं हो सकता, इन सब के दिमाग का सायरन बज चुका है, पता सायरन वाजा। समझो इसे। सिंघम, त्या भड़व्याना सोडू नकोस,